हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप एलोवेरा से कैसे गोरे हो सकते हैं, अपने स्किन का दाग धब्बे को हटा सकते हैं और अपने स्किन को स्मूथ बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एलोवेरा है, इसको मैंने अपने गार्डन से निकाल करके यहाँ पे लाया हूँ मैं। तो आपके घर में भी ऑफ कोर्स एलोवेरा होगा ही, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा का वो आर्टिफिशियल जो आता है मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। बट अगर आपके पास ओरिजिनल एलोवेरा होगा जैसा मेरे पास है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो बाहर का जो एलोवेरा जो रहता है उसमें एलोवेरा के साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स मिलाए गए होते हैं जो कि आपको फेस को बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो आपके पास अगर एलोवेरा अगर ऐसा है तो बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एलोवेरा को आप इस तरीके से तोड़ लीजिएगा अपने गार्डन से। उसको आपको चाकू से इस तरीके से कट कर लेना होता है, तोड़ना नहीं होता है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, आपके हाथों में लग सकते हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से गार्डन में निकाल लेंगे और अपने कांटों को अच्छे तरीके से आप साफ कर लेंगे। तो मैं कांटों को यहाँ पे साफ कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने एलोवेरा में जो भी कांटे थे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से मैंने निकाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, एलोवेरा को बीच से कट करना है, चीरा लगाना है इसको। तो इसको हम चीरा लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो गुद्दा है ना एलोवेरा का, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपको मार्केट में जो डब्बे में आता है ना, वो नकली मिलता है। प्लीज़ ऐसा ही एलोवेरा का आप प्रयोग करिएगा, क्योंकि ऐसा अगर एलोवेरा का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको हमने अच्छे तरीके से चीरा लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, बीच का ऐसा जो गुद्दा है ना, उसको निकाल करके अलग कटोरी में रख लेना है या अलग बर्तन में रख लेना है। तो अलग बर्तन में हम रख लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमने एलोवेरा को बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लिया है। इसका थोड़ा सा ये ग्रीनरी पार्ट होना चाहिए ताकि आपके फेस पे लगे, क्योंकि ये ग्रीनरी पार्ट अगर आप थोड़ा सा लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ज़्यादा नहीं लगाना है, जितना मैंने रखा है वैसे ही रखना है आपको। अब आपको इसमें ऐड करना है नींबू और एक चुटकी हल्दी। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप नींबू अप्लाई ना करें, आप डायरेक्टली एलोवेरा में हल्दी मिक्स करके लगा सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है या नॉर्मल है तो आप नींबू ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो नींबू होता है ना, उसको अप्लाई करने से अपने स्किन पे पिंपल नहीं आता है, या फिर पिंपल अगर आता है तो उसके जो दाग होते हैं वो कम्प्लीटली हट जाते हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव स्किन है तो मैं यहाँ पर नींबू नहीं डालूंगी, यहाँ पर सिंपली एक चुटकी डालूंगी हल्दी। तो हल्दी आपको किचन वाला हल्दी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें हल्का मिर्च भी हो सकता है। आपको बिल्कुल हल्दी जो आता है ना, कसूरी हल्दी, वो डालना है इसमें, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी। तो इसमें हम डाल देते हैं। आप चाहें खुशबू के लिए तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देती हूँ। एक चम्मच रोज़ वाटर हमें इसमें डालना है, तो मैं इसमें रोज़ वाटर डाल देती हूँ। रोज वाटर मैंने डाल दिया। अब हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, हाथों से मिक्स करना है। ये थोड़ा सा भिंडी की तरह आपके हाथों में थोड़ा सा चिपचिप करेगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप इसको ज़रूर अपनाएं। अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, एक्ने को हटाना चाहते हैं, पिम्पल्स के स्कार्स को हटाना चाहते हैं, अपने स्किन को बिल्कुल क्लीन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही पुराना नुस्खा है। मेरी नानी ने मुझे बताया था ये नुस्खा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही से शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और आपको अपने फेस पे इसको लगाना होता है फॉर 15 to 20 minutes, और इसको अच्छे तरीके से ड्राई होने देना होता है, और फिर आप इसको अच्छे तरीके से पानी से धो लीजिए। जब भी आप ये काम कर रहे होंगे ना, तो 7 दिन तक आपको करना है, और आपको फेस वॉश या फिर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना है, तभी आपको असर दिखेगा। वरना अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम और फेस वॉश यूज़ करोगे और साथ में ये नेचुरल प्रोडक्ट कर रहे होगे, तो कोई ज़्यादा खास असर आप पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपली केवल फेस वॉश की जगह एक दिन में एक बार ये एलोवेरा का यूज़ करते हो, ये जो मैंने आप लोगों को नुस्खा बताया, तो ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। एलोवेरा लगाने के साथ साथ अगर आप एलोवेरा खाते भी हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा एलोवेरा बचा करके रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एलोवेरा आप खाते भी हैं, पानी के साथ खाना है आपको, ऐसे सिंपली नहीं खाना है, पानी के साथ खाते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फाइन अच्छा होता है आपके लिए। आपके जो हर्ट डिजीज होती है वो कभी भी आपको नहीं होगा, और आपके स्किन भी ग्लो करने लगेगी।
और आपको दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि ये जो बचा हुआ है ना एलोवेरा का जो छिलका, ये जो है इसको फेंकने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली इसको क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, पीस लीजिए और अपने बालों में आधे घंटे के लिए इसको लगा लीजिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बालों में इसको लगाने से बाल काले होते हैं, घने होते हैं, लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं और साथ ही साथ आपकी डैंड्रफ की जो समस्या होती है उससे भी आप निजात पाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए शेयर करके। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।